इधर किशनगंज में अवैध खनन को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर अर्राबाड़ी में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बालू संवेदक और स्थानीय ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिससे दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि गीता एंटरप्राइजेज के द्वारा जोंक नदी से अवैध तरीके से रात के अंधेरे में खनन किया जा रहा था, जबकि अभी सरकार के द्वारा खनन पर रोक लगाया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब उनके द्वारा खनन कार्य का विरोध किया गया तो कंपनी के कुछ लोगों को भड़काकर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं इस मामले में खनन विभाग के अधिकारी ने कहा कि दो जेसीबी को जब्त किया गया है और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी कार्रवाई की गई है, कल क्या है पूरा मामला? रात में हमको सूचना मिली थी ग्रामीणों द्वारा कि अवैध खनन किया जा रहा है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अर्रावाड़ी थाना को सूचना किया और हम लोग दोनों आदमी गए, दो जेसीबी को जब्त कर थाना में लगाए हुए हैं। उसके बाद हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज कर रहे हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा हम लोग कर रहे हैं। मामला यही है सर, लगभग 15 दिन से यहाँ पे माइनिंग किया जाता है और यहाँ का बालू उठा के डैम्प में जमा किया जाता है, जो धुमनिया में डैम्प है वहाँ पे, वहाँ से फिर लोड होता है, वहाँ से वहाँ बेचा जाता है कंपनी के द्वारा। गीता एंटरप्राइजेस है जो कंपनी है, उसी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग को खबर मिला, हम लोग ग्रामीण है, हम लोग को पता चला कि यहाँ पे बार बार हुआ जा रहा। हम लोग विभाग को भी सूचना दिए, थाना को भी सूचना दी, लेकिन विभाग और थाना लगभग 2 घंटा के बाद पहुंची है। जो यहाँ पे 2 जेसीबी जब्त हुआ और बाकी जो 25 ट्रैक्टर थे वो भागने में कामयाब रहा है। तो हम लोग बालू गिरा के यहाँ पे गिरा के भाग गए हैं और जो कुछ दलाल पाल के रखे हैं कंपनी के द्वारा, वो दलाल ने हम लोग पे हमला करवाया है। जो मेरे 2 आदमी मेरा अभी भी हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में, उसका भी मैं ये करवा सकता हूँ। क्या दिक्कतें हो सकती हैं बालू खदान? बिल्कुल, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है सर। हम लोग का जितने भी जमीन है पूरा नदी में गिर रहा है और बाढ़ आने पे हम लोग को बहुत कठिनाई होती है, जो हम लोग बहुत दिक्कत में ये करते हैं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं समझते, ये लोग कमाने का चक्कर है, बस 70-80 फीट करके गहराई करके अपना अवैध खनन करते हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि बंद हो, अवैध खनन बंद हो और जो अवैध खनन बंद लीगल में चले, लीगल पे चले, और जो भी यहाँ पे डैम किया, यहाँ से बालू ले जाके जो डैम किया है वो बंद किया जाए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलुद्दीन। विभाग से बालू उठाने का कोई अथॉरिटी नहीं है, मगर ये लोग जो है खनान से विभाग से मिल के, थाना प्रभारी से मिल के, घूस खाने के बाद जो है बालू चोरी करके रात को उठा रहा है, और आज नहीं उठा रहा है, ये पहले से भी उठा रहा था। तो हमारे कुछ सोचना मिला जो यहाँ से सब बालू जो कट रहा है, जगह जमीन जो है सब बर्बाद हो गया है, यहाँ जो बाढ़ पीड़ित का जगह है हमारे एरिया को डाउन हो जाता है। तो इसमें हम लोग जो कुछ लोग आए हैं, हमारे लोग आए तो हम लोग बोले जो क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, अभी जो आप लोग बालू उठा रहे हैं तो अभी बालू उठाने का तो कोई इलाव नहीं है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले तुम्हारे बोलने का क्या अधिकारी है, तुम जाओ प्रशासन को बोलो। रात में क्या हुआ? माइनिंग को बोलो तो वही बात पर हम लोग माइनिंग को भी बुलाएं, आइए सर यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, बालू उठा रहा है, जिसमें से 2-2 जेसीबी 25-25 ट्रैक्टर है। तो वो माइनिंग जो है हम लोग को बोलता है कभी बहादुरगंज में, कभी ठाकुरगंज में, ऐसा करते करते रहा। 2 बजे के बाद आया, आने के बाद उसको बोले जहाँ से बालू उठा रहा था वहाँ चलिए, वो नहीं आए, वो हमारे साथ चले गए डैम पे। डैम पे जाके वो कह रहा है ये तो पहले की बालू है, वो पैसा खाना है, खा के रखा है ना, वो बोल रहा पहले के बालू है। हम लोग सर अभी जहाँ बालू खुदा है उसमें तो जगह का पूरा पहचान लगा हुआ है, तो चलिए वहाँ। बोलता हम नहीं जा पाएंगे, पहले आप लोग पहले जाइए, जो करना है कीजिए, हम जो कानून रूप से है वही कर सकते हैं, हम पहले गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। हमें गैर कानूनी नहीं कीजिएगा तो 2-2 जेसीबी जो हम लोग पकड़े हैं तो गलत पकड़े हैं। तो थाना में लेके गए, फिर बड़ा बाबू जो है उसको लिख के दिया, यानी सही में गाड़ी पकड़ा गया, दो सही में जो है लोग बालू उठा रहा था, इतना ही बात है हमारा। तो क्या मांग करते हो? ये गलत कर रहा है बिल्कुल, कार्रवाई हो इसमें, हमारे मांग यही है। क्या नाम हो गया? शहाबुद्दीन। आप ग्रामीणों को? हम लोगों को परेशानी ये है, यहाँ से अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन बालू उठा के जो कांटा का डैम है यहाँ पे अर्राबाड़ी में, अर्राबाड़ी डैम में बालू डैम करता है, फिर वहाँ से बेचा जाता है धुमनिया, पूरा अवैध तरीके से बालू यहाँ से उठा के वहाँ डैम होता है, फिर वहाँ से फिर बेचता है। इस पर रोक होना चाहिए। एनजीटी से तो रोक है ना, एनजीटी पर रोक है अभी? रोक है पर ये लोग रंगदारी से जो ठेकेदार है, ठेकेदार मिल के यहाँ से बालू उठाता है, सबको मिल के। हम लोग रात में यहाँ रोकने आए तो हम लोग को मार हुआ, मेरा हम लोग का कुछ आदमी हॉस्पिटल में भी है। किसके द्वारा पीटा गया?
यहाँ ठेकेदार आदमी जो है, ठेकेदार का आदमी उसके पॉइंट है ये जो कौन सा